जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई। इस दौरान दो व्यक्ति की गोली लगी, जिसमें अस्पताल ले जाने के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। चौर में जो है एक घटना घटी है, जिसमें क्षेत्र में अभियुक्त जो है आर को सीधा कर दिया, जो जिसको लेकर के ही विवाद वादी पक्ष से हुआ था। और मृतक के शिकारी दोनों आदमी जो है वहां पर जिस समय झंझट हुआ, तो मामला जब देखा कि जो गंभीर हो गया, तो वो लोग अपराधी लोग घोड़े से आए। और सहरसा की खबर है, जहां जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई गोली लगने से। वहीं दूसरा व्यक्ति जिसे गोली लगा है उसका इलाज फिलहाल चल रहा है, लेकिन उसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। खबर सहरसा की, जहां पर जमीनी विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैला हुआ है और मौके पर पुलिस कैंप कर रही है, तमाम चीजों की जांच पड़ताल कर रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिर इस हत्या के पीछे कौन लोग थे जिन्होंने गोलियां चलाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहरसा से संवाददाता रितेश है फोनलाइन पर। रितेश, पूरे मामले की जानकारी चाहेंगे, कब घटी ये घटना? जी, मैं आपको बता दूं कि कल शाम में जो है दो पक्षों के बीच जमकर गोली चली है, जमीन विवाद से मामला जुड़ा हुआ था। वहां पर जो है दर्जनों राउंड गोली की सूचना मिली है, पुलिस मौके पर पहुंची है। और क्या कहते हैं रितेश, क्या जो ये तनाव था ये पहले से था या फिर अचानक से कहीं बातों ने हिंसक रूप ले लिया? ये पुराना जमीन विवाद था, 5 कट्ठे जमीन को लेकर विवाद चल रही थी। कल खेत जुताई करने के लिए दोनों पक्ष के लोग वहां पहुंचे थे। जुताई के दौरान जो है ट्रैक्टर जाने के कारण खेत का मेड़ जो है वो टूट गया था, जिसके कारण से जो है वहाँ पे तनावपूर्ण माहौल बना। उसके बाद दूसरे गुट के लोग जो है घोड़े पे सवार हो गए। रितेश, जो व्यक्ति घायल है उसकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी, अभी उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है, डॉक्टरों से लगातार बात किया जा रहा है। डॉक्टर बता रहे हैं कि स्थिति चिंताजनक है, कुछ कहना मुश्किल है कि क्या हो पाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जिनको अभी गोली लगी है उनकी हालत नाजुक है, हालांकि पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी जारी है।